Yes, I am audible, everyone. <coughs> yes, I think uh, now the issue is resolved. So we can continue with the lectures. Okay, okay, okay. Thank you. Thank you. So uh, there was some technical issue. Okay, so now let's start. Okay, so uh, yes, today is our next session that is July 2019. So last session we have covered August. 2019 सो अप टू राइट नाउ अगर देखा जाए जुलाई तक अगर हम 2019 तक आ गए सो दैट मीन्स कि हमने ऑलमोस्ट जून 2020 से ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के कवर अप किया है अभी तक 2020 राइट फ्रॉम द जून 2020 ट्वेंटी टू जुलाई नाइन्टीन ऐसे कुछ हमारा कंप्लीट कवरेज हुआ है ठीक है सो टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर वन ईयर एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज ठीक है जो कि जून 2019 का कवरेज होगा इफ यू वॉन्ट द कवरेज जून 2020 ट्वेंटी ऑनवर्ड्स ओके okay, जिनको जून 2020 ट्वेंटी ऑनवर्स का कुछ करंट अफेयर्स एनवायरमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज चाहिए सेम अभी तक जैसे हमने कंप्लीट uh, किया वैसे ही अगर uh, जून 2020 ट्वेंटी ऑनवर्स होगा सो दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द यस एकेडमी एप जस्ट यू नीड टू टाइप द सुमित कोंडे एंड देन यू विल गेट द ऑल द डिटेल्स ओके सो वहां पर जून ट्वेंटी ऑनवर्ड्स आपको पूरा द हिंदू का न्यूज कवरेज मिल जाएगा ठीक है सो द थिंग इज दैट एंड सेकेंड यहां पर अभी कल पे कल से अगर देखा जाए तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जून ट्वेंटी नाइनटीन जिसको हम कवरेज करेंगे तो पूरे ट्वेल्व मंथ्स का ओके okay, पूरे ट्वेल्व मंथ्स का एक प्ले लिस्ट बनेगा वहां पर ठीक है सो यू कैन ईजिली गो एंड रिवाइज यूर एंटायर वन ईयर एन्वायरमेंट द हिंदू न्यूज कवरेज ऑन दैट प्ले लिस्ट ओके तो सिंगल प्ले लिस्ट में आपको राइट फ्रॉम द जून ट्वेंटी नाइनटीन टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी पूरा कवेज मिलेगा एंड वॉट अबाउट द जून ट्वेंटी ऑनवर्ड्स सो आई आई ऑलरेडी टोल यू दैट कि वहां का कवरेज जो है जून ट्वेंटी ऑनवर्ड्स का जो कवरेज है तो आपको कहां पे मिल जाएगा अन एकेडमी ऐप पे ठीक है जहां पे सुमित कोंडे टाइप करके आपको पूरे डिटेल्स कवरेज आ जाएगी वहां पे ठीक है so, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट करंट अफेयर्स दैट इज द जुलाई करंट अफेयर्स ट्वेंटी सो फर्स्ट न्यूज इज द इंडिया ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ट्वेंटी एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियरली थ्री दैट इज एग्जैक्ट टू अगर देखा जाए तो दैट इज अवर न्यू काउंट ऑफ द टाइगर्स Okay, so, जो की टू नाइन सिक्स सेवन तक अभी ये टाइगर्स के नंबर्स हमारे रीच हुए जो कि लास्ट थे ट्रिपल टू सिक्स ओके जो कि लास्ट अगर देखा जाए का अगर सर्वे देखता हो तो दैट वॉज अ ट्रिपल टू सिक्स ओके तो ऐसे कुछ करंट अफेयर्स uh, में शायद पूछा जा सकता है कि फोर्टीन में लास्ट डेटा क्या था और नाउ ना। द रिसेंट डेटा इज टू नाइन सिक्स सेवन इतने टाइगर्स हमारे रीच हुए हैं ठीक है विद द रिसेंट सेंसस सो द फोर टाइगर सेंसस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ द टाइगर्स को प्रेडेटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट ठीक है तो ऐसे रिपोर्ट का नाम था तो शायद रिपोर्ट्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट द एग्जैक्टली टाइटल ऑफ द यस दिस रिपोर्ट सो द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज द स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट ट्वेंटी सो यहां पे नंबर कितना राइज हुआ टू इतना अभी रिसेंट वाला नंबर रहेगा ठीक है सो टाइगर स्टेमेशन रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द डायरेक्टली बाय द प्राइम मिनिस्टर ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंटरनेशनल टाइगर डे 2019 ओके सो ट्वेंटी पे रिलीज हुआ था देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट हैज ऑलरेडी अचीव द टारगेट्स ऑफ द डबलिंग नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एज द टाइगर के जो नंबर सेंट पीटर्सबर्ग में टू नवंबर टू में जो समिट हुआ था जहां पे ग्लोबल टाइगर फोरम का जो समिट हुआ था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जिसको हम बोल सकते हैं तो ऐसे अलग अलग इनिशिएटिव के थ्रू टू में जो सेंट पीटर्सबर्ग में समिट हुआ था तो वहाँ पे थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज थे ठीक है तो उन्होंने प्लीच किया था कि वी विल डबल द नंबर्स ऑफ द टाइगर दैट इज टी एक्स टू प्रोग्राम रन करेंगे और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ने भी कहा था कि हम भी इसमें इनिशिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा फिर क्या है कि यहाँ पे अच्छे एक लेवल पे अगर देखा जाए तो टाइगर इंटू टू ऐसे प्लीच होता है सब मिलके अगर देखा जाए टी प्रोग्राम रन करता है एंड उसका भी अगर देखा जाए सो so, वही नरेंद्र मोदी यहां पे बोल देते कि अचीव द टारगेट ऑफ था द डबलिंग द नंबर्स ठीक है तो इंडिया ने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया वैसे तो इंडिया इंडिया को 2022 तक डबल करना था बट इंडिया ने उसके पहले ही अचीव कर दिया ऐसे यहाँ पे बोला जाता है ठीक है सो इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज क्रिएटेड इन द सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया टू ऐसे तब से कुछ स्टार्ट हुआ था ठीक है तो देखते चलो आउटकम्स या फाइंडिंग्स ऑफ द ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट टाइगर एस्टिमेट देखो चार साल बाद अगर ये टाइगर हुआ है तो डेफिनेटली नाइन अभी जो 2020 का प्रलिम्स है तो शायद उसमें पूछने के चांसेस है बिकॉज चार साल बाद यूपीएससी को मिला है कुछ ना कुछ पूछने के लिए ठीक है सो डेफिनेटली देखो इस पर कुछ क्वेश्चन तो बन ही सकता है सो बिगेस्ट इंक्रीज इन द टाइगर्स दैट इज इन द एम ओके तो एम में बिगेस्ट इंक्रीज हुआ है अभी तक का दैट इज द थ्री ओके टू से लेके फाइव तक ओके okay, तो इतना एक बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है जबकि नंबर ऑफ द टाइगर्स अगर देखा जाए तो वहाँ पे ही ज़्यादा आते हैं ऑलमोस्ट 526 ट्वेंटी यहाँ पे टाइगर के नंबर्स है सेकेंड आता है कर्नाटक थर्ड आता है उत्तराखंड फोर्थ आता है महाराष्ट्र जहाँ से वन से थ्री एंड ट्वेल्व ऐसे कुछ नंबर्स इंक्रीज हुए तो दीज आर द टॉप फोर फॉर द बिगेस्ट इंक्रीज इन द टाइगर दैट इज एम पी कर्नाटक उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र तो एटलीस्ट दो से तीन तो भी आपको रिम्बर करना ही है और जहाँ पे डिक्लाइन हुआ है तो वो तो और और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन द टाइगर पॉपुलेशन सो क्वेश्चन कैन बी आस्ट लाइक दिस कि टाइगर uh, पॉपुलेशन डिक्लाइन कौन से कौन से स्टेट में हुआ है सो यर आंसर मस्ट भी छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ओके एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द टाइगर इन थ्री टाइगर रिजर्व जैसे कुछ था ठीक तो no तो है तो नो टाइगर वॉज रिकॉर्ड इन द बक्सा आउट ऑफ फिफ्टी टाइगर रिजर्व तो बक्सा जो टाइगर रिजर्व है तो वहां पर एक भी टाइगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है डंपा एक है एंड सेकंड इज पलमाओ ठीक है तो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पे टाइगर ऑलमोस्ट मतलब नो टाइगर वॉज फाउंड ओके सो दैट इज द बक्सा डंपा एंड पलमाओ ठीक है तो ये भी शायद

येस दैट इज इंडिया टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर पैंथरा टाइगरिस इट इज अ टाइगर स्पीसीज टू नेटिव टू द इंडिया येस डेफिनेटली इट इज नेटिव टू इंडिया बट इट इज अवेल वी कैन से इट इज इट फाउंड इन द यस दैट इज द बांग्लादेश में भी मिलता है एंड स्लाइटली भूतान में भी मिलता है सो इट इज नॉट एंडेमिक टू इंडिया इट इज नेटिव टू इंडिया प्लीज नोट दैट एट्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन पूरे इंडिया का इंडिया में ही आता है अगर एट्टी परसेंट जो ग्लोबल पॉपुलेशन अगर आप देखते हो सो दट फाउंड इन इंडिया ओनली ठीक है टॉपिकल फॉरेस्ट मार्शेस एंड टॉल ग्रासेस में ये कुछ मिलते हैं ठीक है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द बंगल टाइगर आर इन इंडिया ओके एंड बाद में नेपाल भूटान यहां पे भी कुछ नंबर्स मिलेगी आपको तो टाइगर का अगर देखा जाए स्टेटस का आयुसीए में एंडेंजर्ड में आता है लिस्ट में ओके एंडेंजर्ड लिस्ट शेड्यूल वन एंड एपेंडिक्स वन में आएगा ठीक है तो ये भी याद रखना है यहाँ पे एंड उसके बाद अगर बाकी अगर फैक्टर्स देखते हो जो कि फिल्म के लिए इंपॉर्टेंट हो गए दैट इज द जीटीआई ओके ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ठीक है तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था ग्लोबल अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी एंड कंजर्वेशन सोसाइटीज साइंटिफिक कम्युनिटीज रह गई प्राइवेटी सेक्टर्स है तो इनके कुछ यहाँ पे डिफरेंट वर्क्स है एंड ब्रॉडर टू इंक्लूड द स्नो लेपर्स थर्टीन में इसमें जी में इंक्लूड भी किया गया था स्नो लेपर्स को ठीक है तो ये ग्लोबल अलायंस है जी अगर देखा जाए तो एंड इसका ही समिट मैंने आपको बताया था टू में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था ठीक है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम अगर देखो तो इट्स सिक्स टू एम्पावर टाइगर रेंजेस कंट्रीज टू एड्रेस द एंटा स्पेक्ट्रम एंड थ्रेट्स ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे तो प्लीज गो थ्रू दिस ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम देन ग्लोबल टाइगर फोरम जो कि मैंने आपको बताया था 1993 में ही ये कुछ क्रिएट हुआ था ऐसे फोरम एंड इंटरनेशनल कोलाब्रेशन ऑफ द टाइगर बियरिंग कंट्रीज विच हैज द सेट टू गोल द डबल द टाइगर्स बाय 2022 ठीक है सो so, जैसे मैंने आपको बताया था सेंट पीटर्सबर्ग में सब लोगों ने पिच लोग प्लिच किया था अंडर द ग्लोबल टाइगर फोरम सो दैट दे विल यस डबल द नंबर्स ऑफ द टाइगर दैट इज टू प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है ठीक है देन सी ए टी एस ऐसे कुछ आता है सो कंजर्वेशन अश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स इट इज अट ऑफ क्राइटेरियाउज द टाइगर टू चेक इफ देआर मैनेजमेंट विल लीड टू सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन ठीक है तो यह टी एक्स टू प्रोग्राम का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कंजर्वेश्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स ओके सो इट इज द पार्ट ऑफ द टी एक्स टू ओके एंड टी एक्स टू क्या देखा था हमने कि ग्लोबल टाइगर फोरम का ही ये बाय प्रोडक्ट है द गोल इज टू ग्लोबल मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में जो प्लीज किया था दैट इज द नंबर ऑफ द टाइगर्स जो है हमें तो वो डबल करना है एंड इसमें मेजर हेल्प किसकी होने वाली है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की ठीक है सो डब्ल्यू डब्ल्यू इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम इन थर्टीन टाइगर रिच कंट्रीज विच प्रोग्राम दैट इज टी एक्स टू प्रोग्राम ओके इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ओके इन थर्टीन टाइगर रेंज कंट्रीज टी आर सी जिसको कहा जाएगा ठीक है यस एवरी वन इज क्लियर ओके सो so, इंडिया में देखा जाए तो ऐसे सेवनटी सेवेंटी सॉरी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली uh, जैसे इंदिरा गांधी स्टॉकम कन्वेंशन से आते हैं नाइनटीन सेवनटी टू में तो वहाँ से मोटिवेट होकर आ जाते और वहाँ पे यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट कर देते दैट इज द यस दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर और एक नौ टाइगर रिजर्व से आज ऑलमोस्ट फिफ्टी टाइगर रिजर्व है इंडिया में ठीक है तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो दैट इज वेरी क्रूशल ओके देन एमस्टिप पे भी क्वेश्चन आपको शायद पूछा जा सकता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस जो कि सॉफ्टवेयर बेस है मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि मोस्टली टाइगर रिजर्व होते तो उनके कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है ठीक है देन एन टी सी अगर देखा जाए तो स्टेटुटरी बॉडी आई एन टी सी है जो कि टू थाउजेंड सिक्स में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्रिएट क्रिएट हुआ था इसका ओके या वी कैन से कि इसका क्रिएशन या जो मोस्टली फंक्शनिंग होता है सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके सो एनटीसी याद रखो उसमें भी अमेंडमेंट हुआ था कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2006 में और उसके बाद एन टी स्रिएट हुआ है एनटीसीए ये क्या है स्टेटुटरी बॉडी आएगी अंडर द मिनिस्ट्री सो प्रेजेंटली इंप्लीमेंट द मेजर टाइगर कंजर्वेशन इनिशियेटिव लाइक प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर कंजर्वेशन प्लान ऐसे अलग अलग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने का काम किसका है एनटीसीए का, का काम है ठीक है सो so, ये शायद बन सकता है एग्जाम में ठीक है तो उतना एक देख लेना एंड बाकी अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट ठीक है सो so, देखो और भी बहुत सारे न्यूज आए थे एक आ, मतलब जो इन बिटवीन जो टाइगर सेंसस रिलीज हुआ था, था तब ऑल इंडिया टाइगर इस्टीमेट टू थाउजेंड ओके मध्य प्रदेश पेंच सेंचुरी केरला स्पेरिया सेंचुरी रेटेड टॉप टाइगर रिजर्व ठीक है सो टॉप टाइगर रिजर्व में आते हैं so, सो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है देखो कि किसके परसेंटेज सबसे ज्यादा है तो ऐसे कुछ यहाँ पे टाइगर रिपोर्ट में ही देखो फोर साइकिल ऑफ द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर मीटर ऐसे कुछ कहा जाता है जिसको विच इवेल्युएट इंडिया फिफ्टी जो है मतलब टाइगर रिजर्व जो रहेंगे तो उनका परसेंटेज निकाला जाएगी कि परसेंटेज वाइज किसने टॉप कर दिया यहाँ पे सो so, उसमें टॉप किया है पेंच ने समझ समझा एमपी में जो पेंच आता है एमपी एंड पेरियार सेंचुरी ओके इमर्ज एज द बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व एंड जिनका स्कोर आया 93.75 ओके okay? इन्होंने टॉप कर दिया है. पेंच रिकॉर्डेड द दाइएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया और हाइएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स कौन से टाइगर रिजर्व में आते हैं सो योर आंसर मस्ट बी पेंच टाइगर रिजर्व ठीक है प्लीज नोट दैट कि सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पे आएंगे पेंच टाइगर रिजर्व में आएंगे क्लियर यहां तक तो सबको ओके डन ठीक है तो देखो पेंच टाइगर रिजर्व पेरिया टाइगर रिजर्व उन्होंने टॉप किया 93.75 परसेंट उनको मिले एंड सेकंड सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व सॉरी सबसे सबसे ज्यादा टाइगर्स के नंबर्स कौन से टाइगर रिजर्व में आते हैं तो पेंच में आते हैं एमपी में ठीक है सो क्लियर है यहां तक ओके सो नेक्स्ट है बॉटम पे कौन है अभी ये जो रिपोर्ट है मीटर वाला पॉइंट है ठीक है सो साइकिल ऑफ द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूएशन ऑफ द टाइगर रिजर्व ये जो मीटर है तो इसमें सबसे कम परसेंटेज बॉटम पे कौन निकल गया सो दैट इज द डम्पा रिजर्व डंप कर दिया गया उसको ठीक है सो डंप है ना तो ऐसे ही याद रख सकते हो कि उसको बहुत ही परसेंटेज कम कमाए तो डंपा रिजर्व है मिजोरम एंड राजा जी रिजर्व उत्तराखंड ठीक है इनको 42 परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ऐसे कुछ मिले जो कि बहुत ही बॉटम पे आ जाते हैं लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे वी कैन से कि लिस्ट परफॉर्मर कौन है सो दैट इज द छत्तीसगढ़ ओके सो सबसे कम परफॉर्मेंस किसने शो किया है छत्तीसगढ़ ने ठीक है तो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो बाकी ऐसे कुछ लैंडस्केप्स वगैरह होते तो बाद में आप थोड़ा सा लुक कर देना जितने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उतने ही डिस्कस करेंगे बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ न्यूज टू डिस्कस इन द जुलाई मंथ ओके सो हाइस्ट नंबर ऑफ द टाइगर्स वे आर फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया याद रखना सेंट्रल एंड ईस्टर्न घाट ऐसे कुछ यहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा अगर टाइगर्स के नंबर्स अगर देखे जाए सो जिम कॉर्बेट इन उत्तराखंड इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू बी एस्टैब्लिश अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है तो ये थोड़ा हिस्टोरिकली भी चेकआउट कर लो जो भी पॉइंट्स हो गए वो ठीक है देन उसके बाद सॉरी जिस्ट से कंधर ओके ओके ठीक है सो नेक्स्ट इज द ऑल टाइगर अगर देखा जाए ऑल इंडिया टाइगर सो एसटीआर इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ओके सो ऑल इंडिया टाइगर इस्टीमेशन अगर देखते हो सो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन द टाइगर पॉपुलेशन सिंस 14 अगर देखा जाए सो दैट इज रिकॉर्डेड इन सत्यमंगलम टाइगर इज एस एस टीर इन तमिलनाडु इट ऑलसो रिसीव अवार्ड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो इनको अवार्ड भी मिल गया था ठीक है समझ रहा है ठीक है सो एनुअल इंक्रीज ऑफ द सत्यमंगलम एनुअल इंक्रीज एनुअल इंक्रीज में कौन टॉप है यहां पे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ओके पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इज मोर देन इन द प्रोटेक्टेड स्पीसीज लैंडस्केप इन द कंट्री ठीक है तो ये सत्यमंगलम कहां पे आता है देखो तमिलनाडु में आता है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो कि नीलगिरी का यहाँ पे देखो एंड हो जाता है ये नीलगिरी बायसपी रिजर्व का ही ये जहां पे टच करता है जहां पे ठीक so, okay? है सो दैट इज द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ओके क्लियर है यहां तक सबको लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट वाइड लाइफ सेंचुरु इन तमिलनाडु, ठीक है सो ये थोड़े से पॉइंट यहाँ पर याद रख लेना कि ऑल इंडिया टाइगर इस्टीमेशन हमने हर एक पॉइंट देखा है कि हर एक एस टी आर मतलब सत्यमंगलम टाइगर इज द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ द ग्रोथ उसके बाद हमने देखा है कि जो भी परसेंटेज वाइज देखा जाए दैट इज मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूशन मीटर में अगर देखा जाए तो पेंच ने टॉप किया है परसेंटेज वाइज एंड सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं जो टाइगर के वो कहा काउंट हो गए पेंच में ठीक है तो याद रखना एंड उसके बाद पेरियर अगर देखा जाए पेंच एंड पेरियर साथ में नंबर्स उनको 93.75 थ्री परसेंट यह कॉमन मिले सबसे डाउन में कौन आएगा डंपा जो कि डंप हुआ है राजा जी ऐसे क्या है कि डाउन में आते हैं सबसे ज्यादा कम मतलब सबसे कम उनको परसेंटेज मिले देन सबसे स्टेट वाइज देखा जाए तो लीस्ट परफॉर्मिंग कौन सा है दैट इज द छत्तीसगढ़ ओके सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको बन सकता है देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए है प्लीज टाइगर रिजर्व अच्छा करो बिकॉज इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बिकॉज चौदह दो के बाद अभी टाइगर रिजर्व हुआ है या टाइगर जो कि वी कैन सी सेंसस हुआ है दो में ठीक है और उसका उन्नीस में दो में इसका रिपोर्ट रिलीज हुआ है ठीक है तो यहां पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वेश्चन बनेगा राइट फ्रॉम द नेम ऑफ द रिपोर्ट ठीक है स्टेटस ऑफ टाइगर को ऑपर प्रे एंड देयर हैबिटेट 18 तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो प्लीज गो इन द डिटेल्स ओके नेक्स्ट न्यूज इज द ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम ओके ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम सो यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज सिलेक्टेड ट्वेल्व बीचेस जो कि अभी नंबर उसके बाद में इंक्रीज हुए थे तेरह हो गए थे बट इनिशियली देखो 12 बीचेस ऐसे कुछ सिलेक्ट हुए थे ब्लू फ्लैग के बीच के अंडर ओके एंड स्टेट स्काउट्स लोकेशन फॉर द ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम ट्वेल्व इंडियन बीचेस इन द रेस टू क्रेश ब्लू फ्लैग चैलेंज ओके तो ऐसे कुछ बहुत सारी न्यूज आ रही थी तो so, जैसे तो दो में ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको मतलब वी कैंसि की लॉन्च कर दिया था ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम को एंड जिसका मेजर अगर एम देखा जाए तो एनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनलीनेस एंड अप बेसिक एम्यूनिटीज एट बीचेस सो दैट एक इको टूरिज्म यहाँ पर डेवलप हो सकता है सो so ये इसका मेन पर्पज होता है एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ द क्लिनलीनेस एंड अप बेसिक एम्यूनिटीज एट द बीचेस तो ये इनका मेन पर्पज़ है सेकेंड इज दैट कि इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि बीम्स के अंडर आता है सो so उसका ही एक क्या है कि इसका नॉमिनेटेड एज द बीच विल बी फंडेड थ्रू द ऑन गोइंग दिस प्रोग्राम दैट इज इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम तो इनके अंडर ही जो बीम्स ऐसे कुछ इनिशिएट आता है तो उसके थ्रू इसको फंडिंग होगा सो so, ऐसा एक्चुअली ब्लू प्रोग्राम अगर ब्लू फ्लैग बीच प्रोग्राम जो है तो वैसे तो पहले ये आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो फ्रांस की है जो कि 1985 से उन्होंने जोन एगन बेस्ट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन यहां से स्टार्ट हुआ था एफ डबल ई इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो एनवायरमेंट वी कैन से द ब्लू फ्लैग प्रोग्राम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द फ्रांस बाय द कोपेगन बेस्ड एफ डबल ई फाउंडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ठीक है और उन्होंने बाद में अगर देखा जाए तो यही कंसेप्ट से इंडिया में भी अगर देखा जाए तो सेम कंसेप्ट रन होता है या उनके ही अंडर वी कैन से की ये सब रन होता है ठीक है सो थर्टी थ्री एन्वायरमेंट टूरिज्म रिलेटेड कंडीशन ऐसे कुछ अलग अलग आते हैं यहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट याद रखना कि डायरेक्टली आप बीचेस भी देख सकते हो कि कौन से कौन से बीचेस है ठीक है जो कि क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे एंड सो दैट उनको अगर ब्लू फ्लैग अगर दे दिया फॉर एक्जाम्पल तो वहाँ पे एक इको टूरिज्म हो सकता है प्रॉपरली ठीक है सो देखो ये सिलेक्टेड बीचेस है शिवराजपुर भोगावे घोगला मीरापुर या मीरामारा सॉरी मीरामार गोवा रहेगा तो हर एक पार्ट मुझे लगता है थोड़ा सा आप अच्छे से देख लो ठीक है यहाँ पे शायद क्वेश्चन बन सकता है प्रपोजल टू डेवलप महाबलीपुरम बीच ड्रॉप बिकॉज द स्ट्रॉग विंड्स एंड करेंट्स ऐसे कुछ हिट हुए थे तो इसलिए महाबलीपुरम को यहाँ पे निकाल दिया गया था ओके एंड न्यू बीच सिलेक्टेड फ्रॉम द तमिलनाडु इज नाउ कोलम ठीक है तो महाबलीपुरम को निकाल के यहाँ पे किसको ऐड किया कोआलम को ठीक है तो शायद ये बन सकता है क्वेश्चन देन बंगारम बीच इज एडेड टेकिंग अप द नंबर्स दैट इज नाइन ओके सो अभी यहाँ पे तेरहवा नंबर कौन सा ऐड हो गया थर्टींथ ओके दैट इज द बंगारम बीच ओके प्लीज नोट दैट दैट इज बंगारम बीच और जो कहाँ पे आता है लक्षद्वीप में ठीक है तो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है देखो ये कुछ अपडेटेड लिस्ट ऐसे रहेगी है ना तो प्लीज देख लेना कोवालम यहाँ पे महाबलीपुरम से रिप्लेस कर दिया बाकी सब सेम है ठीक है तो हर ऑलमोस्ट देखो एक एक स्टेट से जितने भी हमारे नाइन कोस्टल स्टेट है तो उनमें से सबसे एक 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 आपको दिख जाएगा ऑलमोस्ट ठीक है क्लियर है ओके नेक्स्ट है Uh, अगर वैसे टॉप कंट्रीज बहुत सारे जैसे स्पेन में ऑलमोस्ट सिक्स एटी फोर है जैसे इंडिया में ओनली थर्टीन है ठीक है या फिर हमारे चंद्रभागा बीच है ऑन कोनार कोस्ट ओडिशा वाज़ द फर्स्ट इन एशिया टू गेट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन नाइनटीन लास्ट ईयर ओके सो ऐसे भी और चंद्रभागा बीच के रिगार्डिंग या कोनार कोस्ट के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन बन सकता है ठीक है नेक्स्ट है मेका डेटो प्रोजेक्ट सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पॉइंट यस एनी क्वेश्चन अप टू दिस यस किसी का कुछ क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे

फर्स्ट थिंग सेकेंड ये मेकाडेटू प्रोजेक्ट कौन से वी कैन वीकैंसी की स्टेट में आता है शायद ये भी बन सकता है ठीक है so, सो इससे कहाँ पे हम हो सकता है ठीक है तो ऐसे अलग अलग काइंड से क्वेश्चन बन सकता है तो रिवर कावेरी पे ये मेकाडाटू प्रोजेक्ट आता है कर्नाटक में ठीक है तो इतना याद रखना लो प्रोजेक्ट इज ऑन कावेरी एंड मेकाडाटू प्रोजेक्ट इज टू टेक अ लैंड अवे फ्रॉम द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ पार्ट वी कैन से की वो कम हो सकता है एंड इट इज क्लेमिंग फिफ्टी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ़ द कोर फॉरेस्ट एरिया तो ये yes, डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है ठीक है तो ऐसे ही देखो यहाँ पे कुछ एरिया गया यहाँ पे और फॉलोइंग स्पीसीज विल भी एडवर्सली अफेक्टेड जैसे कि ग्रीजल जाइंट स्क्ल होगा डिक्कन मैशर फिश रहेगा जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था मैशर फिश ओके विच इज इंडेंजर्ड एंड एंडेमिक टू दिस रीजन इंडियन पैंगोलिन रहेगा जो कि एंडेंजर्ड में आता है स्मूथ कोटेड ओटर रहेगा जो कि वेल्नरेबल है ठीक है इस पर भी रिलेटेड बहुत सारे करंट चल रहते हैं ओरिएटे स्मॉल क्लाउड ओटर रहेगा या एंडेमिक मद्रास ट्रीज है हनी बेजर से एंड कोलैगो तो मुझे लगता है जस्ट थोड़ा सा इसको ओवरलुक कर लेना हर एक स्पीसीज को बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसे उन्होंने न्यूज़ में आया तो मैशर फिश तक ऐसे बहुत एक नॉर्मली फिश की एक स्पीसीज है तो उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर ठीक है तो शायद इस पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है ठीक है देन उसके बाद एरुलगा कम्युनिटी यहाँ पे कुछ रहती है इसके मेकाडाटू के नियर बाय तो शायद उनको भी अफेक्ट हो सकता है ऐसे पाँच नियर बाय विलेजेस से इरुलिंगा कम्युनिटी एक बार देख लेना ठीक है देन तमिलनाडु गवर्नमेंट इस स्ट्रांगली अपोजिंग दिस ऐसे भी हो सकती है कर्नाटका का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट तो उसको सपोर्ट किया या विद विद द द तमिलनाडु बन गया तो दैट इज रॉन्ग ओके इज नो ओके याद रखना पे कोई कोलाब्रेशन नहीं है एंड ये स्ट्रांगली अपोज हो रहा है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट ओके द नेक्स्ट इज द रिवर कावेरी इंटरस्टेड रिवर आती है ओरिजिनेट्स इन कर्नाटका एंड पासिस थ्रू द तमिलनाडु ऐसे बाद में आप कावेरी का देख लेना कहाँ से ओरिजिनेट करती है जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स आते हैं वेस्टर्न घाट में नीलगिरी के पास वहां से ओरिजिनेट करके ये यस yes, डेफिनेटली कहाँ पे मर्ज होती ऑफ में ठीक है तो वो पूरा सीक्वेंस आप थोड़ा सा देख लेना रिलेटेड हाँ yes. regard, uh, कोई क्वेश्चन है किसी का तो मेकेडाइट कौन से रिवर पे देखो कावेरी यहां पे सिंपल क्वेश्चन भी बन सकता है simple, एकदम सिंपली क्वेश्चन रहेगा मेकेडाइट प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग ठीक है एनी क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ओके ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ठीक है तो नाम में ही रहता है ना मोस्टली देखो विदाउट बजट विदाउट फर्टिलाइजर्स विदाउट पेस्टिसाइड्स ओके या विदाउट इवन कि जो सीड्स परचेस करते हैं हम मार्केट से तो वो भी नहीं रहेगा मतलब जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्रॉप क्रॉप्स रोके उनके ही सीड्स निकाल के तो ऐसे रहेगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ठीक है सो देखो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग Uh, जिसको हम ऑलमोस्ट जीरो बजट फार्मिंग इज ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस इन सम स्टेट ऑफ मतलब बहुत सारे स्टेट्स में हमारे कंट्री के हो रहा है मतलब एंड उसमें ही देखो मेथड्स ऑफ फार्मिंग वेयर द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग हार्वेस्टिंग प्लांट इज जीरो ठीक है तो जिसमें ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट होती है ठीक है सो इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब कम हो सकता है सो ऐसे ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे देखा जाए तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज में प्रमोट हो रहा है ओके okay, तो ये शायद देख लेना कि यहाँ पे जीरो बजट नेचरल फार्मिंग जो है इसका ही पार्ट अगर परंपरागत कृषि विकास योजना का ही एक पार्ट हो सकता है ठीक है या ऋषि यहां पे राष्ट्रीय रिश्टिक रिश्टिक कृषि विकास योजना ठीक है तो उसका एक पार्ट होगा देन उसके बाद नेक्स्ट है फोर व्हील्स ऑफ द जीरो बजट बजेल फार्मिंग वाटर वेपर कंडेंसेशन फॉर बेटर सॉयल मॉइस्चर ठीक है तो ऐसे आपको स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं और स्टेटमेंट पे भी शायद यहां पे कुछ क्वेश्चन बनेगा ठीक है मल्चिंग रहेगा या सीड ट्रीटमेंट ऑन द काउडंक है ना तो ये इसके क्या है कि उसके टूल्स हो गए okay? या फिर फोर व्हील ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिक्वायर लोकली अवेलेबल मटेरियल्स ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग दैट कैन भी ओके सो ऐसे क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे कुछ अलग भी दे सकते हैं आपको ठीक है की जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रिप इरीगेशन ठीक है तो ड्रिप इरीगेशन जनरली क्या होता है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा तो वो जीरो बजट में नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ठीक है तो याद रखना जीरो बजट में एक्जैक्टली exactly क्या क्या पॉइंट्स होते हैं काउडंक होगा रेजिलेंट फूड सिस्टम होगा या जीरो बजट नैचुरल फार्मिंग रिक्वायर्स ओनली टेन परसेंट ऑफ द वाटर एंड टेन परसेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स आ जाएंगे ठीक है तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार ठीक है और इसको डिटेल्स में पढ़ लेना ठीक है नेक्स्ट इज द इंडो सल्फान ऑलरेडी आपको पता होगा कि इंडो सल्फान से बहुत आ, कुछ ऐसे वी कैन से कि जो बायोमैग्निफिकेशन रिलेटेड इशूज़ भी हुए और जो डाइक्लोफिनेक् था तो उसके तो वल्चर्स पे बहुत सारे इशूज हुए थे बट सुप्रीम कोर्ट पुलिस ऑफ केरला फॉर द डिनाइंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ठीक है जो कि उसको बंद किया गया था बट वही गवर्नमेंट ने बोला केरला गवर्नमेंट टू पे फाइव लैक कंपेंसेशन ओके okay, जिसके टॉक्सिक इफेक्ट जो है तो बाकी वहां पे जो कम्युनिटीज है तो उन उनपे हुए थे सो so, देखो यहाँ पे फोर माइनर हु आर विक्टिम्स ऑफ द एंडोसलफान ट्रेजिडी तो ऐसे कुछ फोर माइनर्स थे उनको मतलब इशू है एंडोसल्फान के अगर वी कैन से दी उसके इंट्रैक्शन में आने की वजह से तो एंडोसल्फान देख लो फिर क्या होता है शायद एंडोसल्फान पे कुछ क्वेश्चन बने, बने बिकॉज न्यूज में है तो सो एंडोसल्फान इज एन ऑर्गेनो क्लोरिन इन्सेक्टिसाइड ओके वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द नाइनटीन फिफ्टी कॉमनली नोन एज द ऐसे कहा जाता है उसको एंड इट हैज द बैन इन ओवर एटी नेशन ड्यू टू दिस हाई टॉक्सिसिटी पोटेंशियल बायो एक्मिलेशन एंड रोल एज अ एंडोक्राइन डिस्क्रप्शन ठीक है तो इस वजह से इसको बहुत ही सालों पहले अगर देखा जाए तो बैन कर दिया गया था एंड एंडोसल्फान स्प्रेड एज अ क्रॉप लाइक अ कॉटन ऐसे ये आपको पता ही होगा है ना तो पेस्टिसाइड्स एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है ना ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है इसका सेल रहेगा मैन्युफैक्चर रहेगा यूज रहेगा एक्सपोर्ट है तो ये सब हमने ऑलरेडी बैन कर दिया गया था बट स्टिल केरला में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इसलिए उनको फाइन लगाया गया ऑलमोस्ट फाइव लाख रुपीज का ठीक है तो इसलिए ये न्यूज में था तो देख लेना यहाँ पे ठीक है सो इसके पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो एज कार्सिनोजेन न्यूट्रोटॉक्सिन या जेनोटॉक्सिन पे इंपैक्ट करते हैं एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन उसके रिगार्डिंग है ठीक है तो शायद यहां पे स्टॉक होम कन्वेश क्वेश्चन बने द ग्लोबल ट्रीडी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम द फ्रॉम द सच अ अ केमिकल कंपाउंड हैज अमिकल कम्पाउंड है स्टॉक होम कन्वेंशन जो भी है तो इट इज अबाउट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स सो उन्होंने भी स्टॉक होम कन्वेंशन में भी डिक्लेयर किया है कि एंडोसल्फान जो है तो वो एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है एंड इट कैन लीड टू द बायो मैग्निफिकेशन ठीक है तो ये बायो मैग्निफिकेशन भी कर सकता है ओके okay? क्लियर यहां तक सबको स एवरी वन अंडरस्टूड ओके ठीक है एनी एनी क्वेश्चन किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें ओके okay, ठीक है सो so, चलो नेक्स्ट देखते हैं सो दैट इज यस दैट इज डुगोंग सी कऊ ओके डुगोंग सी कऊ स्टैंडर्ड सी काउ नेम्ड एज अ सी प्रिंस ओके स्टैंडर्ड सी कऊ नेम्ड एज अ सी प्रिंस इसको डुगोंग का मेन लोकेशन है गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार में इसको सी काउ कहा जाता है हैंडसम सी प्रिंस भी कहा जाता है अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको अलग अलग कहा जाता है देखो जैसे कि दिस बीच हैज़ बीन नेम्ड जामिल मीनिंग वी कैन से द हैंडसम सी प्रिंस ऐसे कहा जाता है ठीक है एनीवेज इसमें ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं मतलब ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएस से नहीं पूछेगी बट याद रखना हमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट जो आपको मैं शो करूंगा तो वही थोड़ा सा पढ़ लेना डुगोंग मैमल अर्सो कॉल्ड ए सी काउ ओके जो कि हर भी वो उसमें आते शायद ये भी बन सकता है ठीक है देन उसके बाद इसके अलग अलग नाम है डूगोंग इज डव एज मैरियम जामिल हैंडसम सी प्रिंस ऐसे ये हो सकता है समझो ज्यादा से ज्यादा यावी लैंग्वेज क्या होती है या हैंडसम सी प्रिंस क्या होता है वलरेबल में आते हैं शेड्यूल एफ वन एफेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स ठीक है तो इतने ही सारे पॉइंट्स आ सकते हैं यहाँ पे और बाद में आप यावी लैंग्वेज थोड़ा सा एक बार जस्ट ओवरलुक कर देना क्या होती है मलाय लैंग्वेज ऐसे ऐसे ठीक है तो ऐसे सी काउज होते प्लीज नोट दैट इनका मेजर पॉपुलेशन आता है गल्फ ऑफ मनार में जो कि मरीन बायोसपे रिजर्व है एंड टोटल एटीन बायोस्पियर रिजर्व में से एक रहेगा एंड दैट इज द लार्जेस्ट बायोस्पियर इन इंडिया दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार और वहां पर डुगोंग मिलता है ठीक है सो प्लीज गो थ्रू दिस पॉइंट ऑल्सो ओके ओके क्लियर है यहां तक एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डुगोंग यस डुगोंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है किसी का ओके ठीक है नेक्स्ट देखते प्रोकिपन बरो तो बरोज मतलब क्या होता है कि जो अभी पैंगोलिन वगैरह होते हैं तो ऐसे बरोज में रहते हैं बहुत सारे ऐसे, uh, ऐसे, है, है ऐसे, ऐसे, है, तो ऐसे स्पीसीज होते है कि उसके ऑलमोस्ट 22 टू डिफरेंट हाउसेज एनिमल ऐसे कुछ होते हैं प्रोक्युपैंट बरोज में रहते हैं वो द स्टडी वॉज डन एट द केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में ऐसे अरे रिजन में ही ऐसे बरो में जो रहते हैं तो ऐसे स्पीसीज होते हैं मोस्टली सो इंडिया क्रेस्टेड प्रोक्युपैंस शेयर इट्स ट्वेंटी टू डिट स्पीसीज ऐसे कुछ जो बरोज में रहते हैं होल करके रहते हैं ना तो उनको बरोज कहा जाता है ठीक है सो ऐसे नेचुरल रामसर साइट्स एज वेल एज इंक्लूड इन द मॉन्टेक्स जो कि केवला देव तो पता होगा आपको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आता है केवला देव प्लस आपका कौन सा है लोकटक ठीक है तो ये दो लिस्ट में आते पहले चिलका था बट उसको रिमूव कर दिया था तो ऐसे कुछ स्टडी नियर बाय केवला देव होता है एंड उन्होंने उसमें बताया कि डिक्लाइन ऑफ द प्रोक्यूपाइन स्पीसीज विल हैव डोमिनेंट डोमिनो इफेक्ट एज द की स्पीसीज यहां पे क्या हो रही है कि अरी रीजन में कम हो रही है ठीक है सो इंडिया क्रेस्टेड प्रोक्यूपाइन ऐसे कुछ आता है वो स्पीसीज जो है तो एक्चुअली लिस्ट कंसर्न में आती है बट थोड़ा सा आप उसको चेकआउट कर लो ठीक है so, सो ज़्यादा इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पे ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द एनिमल्स आपने शायद सुना ही होगा ठीक है कि अभी मतलब वैसे उनका बर्थ कंट्रोल करना है अभी अभी तक तो आप लोगों ने सब ने सोचा होगा कि चलो अब एनिमल्स के नंबर टाइगर हो एलिफेंट हो या जो भी मोस्ट ऑफ द स्पीसीज है तो उनके नंबर इंक्रीज करने की बात करते हैं बट यहाँ पर तो आप लोग न्यूज़ अगर देखोगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स है मतलब क्या इनका बर्थ कंट्रोल करना जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट वाइल्ड बोर एंड ब्लू पॉपुलेशन कंट्रोल करने की क्या करना है? Elephant, boar, monkey, के करना है. चलो बाकी तो यहाँ पे ठीक है बट एलिफेंट का पॉपुलेशन क्यों है तो एलिफेंट की वजह से अगर देखा जाए तो देखो अगर यहाँ पे देखते हो सो ऑलमोस्ट फोर देखो यहां पे According to reply table in the parliament, in 2019, nearly 494 persons were killed by the elephant last one year. Okay समझ रहे हैं मतलब चार 494 almost 500 persons. Okay इनकी death हो गई थी last एक single year में due to the elephant attack by the elephant. And that is really a huge number. ठीक है, so इसलिए बहुत ही ज़्यादा important है कि इनका control करना ऐसे जो भी habitations हैं, तो वहाँ पे इनके numbers एक limited रखना, इनको मार तो नहीं सकते हम ठीक है ऐसे कोई भी कन्वेंशन में या कहाँ पे भी इंडिया के पॉलिसी में नहीं रहेगा बट इनका बर्थ जो है वो कंट्रोल कर सकता है ठीक है सो इट इज अ मेजर चैलेंज इन मैनेजिंग द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री सो इसलिए इनका इंटर मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लिए जाएंगे सो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी विल डेवलप द इम्यूनो ट्रांस वी कैन से इम्यूनो ट्रांसिप्शन अगर ऐसे कुछ प्रोसेस है तो वो डेवलप करने वाले तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना यहाँ पे एंड पायलट प्रोजेक्ट विल बिगन इन उत्तराखंड ओके okay, सो so उत्तराखंड में फर्स्ट स्टार्ट हो गए होने वाले ऐसे सो इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अ फीमेल एनिमल इम्यून सिस्टम टू बिल्ड अ प्रोटीन अराउंड द एग एंड टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजिंग ठीक है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन उसका रोका जा सकता है तो याद रखना कि इंडिया ने कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर एनिमल्स कौन से कौन से एनिमल के लिए स्टार्ट किया तो शायद आराम से आप यहाँ पे ब्लॉक हो सकते हो कि एलिफेंट्स अगर आप वहां पे नहीं लिखोगे तो मतलब मोस्टली हमें एलिफेंट्स के नंबर्स इंक्रीज करना ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा बट देखो यहाँ पे कुछ रीजन्स में डेफिनेटली ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लिए जाएंगे बिकॉज जो हमने नंबर्स डेथ देखी, देखी है लोगों की ऑलमोस्ट फोर नाइन्टी फोर डेथ्स हुई है ठीक है तो इसलिए इट इज मस्ट इन सम एरिया ठीक है कि जहां पे हम ऐसे मेजर्स ले लाइक उत्तराखंड वगैरह होगा तो ओके नेक्स्ट है न्यू मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी डीआरडीओ गेट्स क्लियरेंस फ्रॉम द मिसाइल वैसे तो अभी तक का इंडिया का एक ही है जो मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी अगर देखा जाए तो व्हीलर आइलैंड जिसको अभी न्यू, न्यूली नेम्ड एज ए पी अब्दुल कलाम आइलैंड तो वही हमारा एक मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है इंडिया का देखा जाए तो उत्कल कोस्ट या फिर उड़ीसा कोस्ट पे आता है एंड दूसरा हमारा जो है तो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है दैट इज़ एज द श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर जहाँ पे क्या है हमारा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है ओके तो ऐसे दोनों भी आप नियर बाय पुली का ले एक आता है और एक बार थोड़ा सा चिलका के आसपास आएगा ठीक है तो वो थोड़ा सा चीज़ें देख लो कि कौन सा कहाँ पर एंड अभी न्यू हमारा मिसाइल टेस्टिंग सेंटर एक लॉन्च हो रहा है ठीक है तो उसका नाम अगर देखा जाए तो अभी ऐसे कुछ पब्लिश नहीं हुआ है बट याद रखना कि एग्जैक्टली uh, exactly वो कहाँ पे होने वाला है आंध्र प्रदेश में ठीक है तो उड़ीसा में पहले था मतलब पहला वाला जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हम जिसको विलर आइलैंड बोलते हैं तो वो कहाँ पे आएगा उत्कल कोस्ट पे आएगा या उड़ीसा में आएगा अभी न्यू जो डी गेट कर रहा है मतलब विशाल टेस्टिंग सेंटर वो आएगा आंध्र प्रदेश में ओके नेक्स्ट इज द प्लान बी शायद आपने सुना ही होगा इसके बारे में नहीं सुना है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना बी मीन्स क्या है कि जो हनी बीज होते हैं हमारे तो बीज का प्लान है यहाँ पे कुछ ठीक है टू हेल्प दू टू हेल्प टू सेव जम्बोज जम्बोज मींस क्या है एलिफेंट को सेव करने के लिए ऐसे कुछ प्लान बी स्टार्ट हुआ था सो वॉट इज प्लान बी आई आई ओके सो आपको दिख रहा है ये पूरा यस इज इट इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ओके ओके ठीक है चलो आपको सबको दिख रहा है वैसे मुझे लगा कि एक्चुअली ये कट हो रहा है ठीक है सो प्लान बी जो है तो प्लान बी मतलब क्या है कि जो हनी बीज होते हैं तो वो कुछ साउंड रिलीज करता है या बज होता है इमिटेटिंग द बज ऑफ द स्वैम जो हनी हनी बीज होते तो वो एक स्वैम एक साउंड रिलीज करता है सो so दैट जो रेलवे ट्रैक हो गए तो वहाँ पे अगर मतलब यही साउंड से जहाँ पे हनी बीज के वी कैन से कि जहाँ पे पॉपुलेशन होता है या से कि जो इमिट करते हैं साउंड हनी बीज ठीक है तो वो साउंड से एलिफेंट दूर रहते हैं जनरली ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा है ठीक है सो वो साउंड से क्या रहते हैं जनरली वो अवॉइड करते हैं सीरियज को तो फिर वैसे ही हम क्या कर सकते कि एलिफेंट के ड्यू टू जो एक्सीडेंट्स होते हैं रेलवे रूट्स पर तो वहाँ पर अगर ऐसे कुछ इक्विपमेंट हम करें अगर फॉर एग्जाम्पल एम्पलीफाइंग सिस्टम अगर इमिट करने वाली जो ब्लू मतलब जो वी कैन से कि जो हनी बीज का स्वैम है ठीक है तो उसका जो साउंड uh, जो रिलीज करते हैं तो वैसा साउंड अगर हम रिलीज कर पाए ऑन uh, द एक्जक्टली ऑन द ट्रेन ट्रैक्स ट्रेन के नियर बाय ट्रैक्स जो होते हैं तो उनके नियर बाय अगर ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं या फिर इनको जो एक्सीडेंटल डेथ्स है एलिफेंट की तो वो कम हो सकती है ठीक है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे फ्रंटियर रेलवे जो है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एंड अंडरस्टैंड दिस प्लान डिजाइन टू जनरेट एम्पलीफाइड साउंड हनी बीज ऑडिबल फ्रॉम सेवन टू एट हंड्रेड मीटर्स तक ये ऑडिबल होता है तो इससे दूर रहेगी वो समझ रहा है सबको सो द प्लान भी डिवाइस हैज बीस हैज़ बीन हेल्पफुल इन डायवर्टिंग हर्ड्स ऑफ द एलिफेंट

इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में ठीक है देन नेक्स्ट इज द ऑर्किड्स पे इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड uh, कर देता है नेक्स्ट है प्लान टू सेव गार्ड गैनजेटिक डॉल्फिन ओके सो गैनजेटिक डॉल्फिन जो है इंडिया में दो डॉल्फिन आते हैं देखो याद रखना एक गैनजेटिक डॉल्फिन है एक सेकंड आती है इंडस डॉल्फिन ओके okay, ऐसे दो डॉल्फिन आते हैं इंडिया में सबसे नंबर्स में ज्यादा देखा जाए तो गैनजेटिक डॉल्फिन आती है ओके okay, जिसको सुशु भी कहा जाता है सुशुभ भी कहा जाता है ठीक है तो ऐसे भी है कि एंड इंडस डॉल्फिन को क्या कहते हैं हम भुलान ठीक है जो कि कहां पे मिलती है इंडिया में बियास रिवर में ठीक है और उसके बाद इंडस में मिलती है बट वो पाकिस्तान में मिलती है ठीक है सो इंडिया में मोस्टली बियास में मिलते हैं एंड रही बात गेटी डॉल्फिन में तो अगर वो कहां पर मिलती है इंडिया में तो अलॉन्ग एंटायर गंगा रिवर देन मेघना रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर तो ये तीन लोकेशंस पे मिलती है जो चिल्का के पास मिलती है वो कौन से डॉल्फिन है दैट इज यस yes, दैट इज इरावड्डी डॉल्फिन ओके okay, इरावड्डी डॉल्फिन जो चिल्का के पास मिलती है अंदर के साइड में मत लेके आ जाओ उसको ठीक है जैसे कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था कि दैट इज चंबल रिवर के पास ठीक है चंबल रिवर में मिलती है चिल्का तो दैट इज सॉरी चंबल रिवर के पास मिलती है इरावडी डॉल्फिन सो दैट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग ओके चंबल तक इरावड्डी डॉल्फिन नहीं आती है ठीक है बे ऑफ बंगाल में ही वो लिमिटेड रहेगी सो सो देखते हैं प्लान टू सेफ गार्ड गैंजेटिक डॉल्फिन ऐसे कुछ प्लान यहाँ पे क्रिएट हुआ रेस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ द वेसल्स एंड ब्लोइंगस इन दाउ दी ऑफ शिपिंग प्लान टू सेव गार्ड द पॉपुलेशन मतलब जो भी ब्लो होते हॉर्न तो इसकी वजह से इनका पॉपुलेशन कुछ अफेक्ट हो रहा था उनको अफेक्ट हो रहा था तो जो भी आपका गंगा का रिवर है दो गंगा रिवर देखो फ्रॉम राइट फ्रॉम द अलाहाबाद टू हल्दिया ठीक है या प्रयागराज टू हल्दिया ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर वन आता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट इनलैंड वार, नेशनल वाटरवे इंडिया का अलाहाबाद टू हल्दिया ऑन द गंगा रिवर ठीक है सो तो एक अच्छा ट्रैफिक भी यहाँ पे मतलब ऑलवेज होता है कंटिन्यूअसली होता है शिपिंग प्लान टू सेव गार्ड पॉपुलेशन ऑफ द देंजेस रिवर डॉल्फिन तो और जो भी वेसल्स है तो उनका जो साउंड होगा वो लिमिट किया जाएगा ठीक है एंड जो भी विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आती है देखो पर्टिकुलरली तो उस पर उसके नियर बाय तो ये डेफिनेटली अप्लाई किया जाएगा ठीक है क्लियर यहां तक ठीक है तो देखो यही इसके मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है अलग अलग तो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंजेटिक सेंचुरी देख लो कहां पे आती है अगर ये न्यूज में आता है तो शायद यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है विक्रम गैनजेटिक विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी तो ये आती है सतलजगंज कहलगंज ऑन द गंगा रिवर बिहार ठीक है तो ये यह कहां पे आएगी बिहार में ओके ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री सो इट इज द ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री इज द विक्रमशिला गैनजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ओके जो कहा आती है बिहार में क्लियर यहां तक सबको चक्रशिला जो है वो आसाम में आती है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आसाम में आता है जहाँ पे गोल्डन लंगूर फेमस है हाँ ठीक है तो विक्रमशिला चक्रशिला ठीक है तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखो तो बिहार में कौन है विक्रम है ठीक है समझ रहे है बिहार में कौन सी है विक्रमशिला आएगी ठीक है तो उतना याद रखना बस एंड नेशनल हाईवे नेशनल वाटर वे वन कनेक्टिंग हल्दिया टू वाराणसी पासिस थ्रू दिस पार्ट ओके तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वाराणसी तो हल्दिया टू वाराणसी अगर जो है तो वो नेशनल वाटर वे नंबर वन यहाँ से ही पास होता है ओके अबाउट गैनजेटिक डॉल्फिन So, देखा जाए तो इट इज एंडेंजर्ड इन द आयुशन लिस्ट ठीक है याद रखना एंडेंजर्ड में आता है इंडियन द गैंजेस रिवर डॉल्फिन सुसु या सुशुभ जिसको कहा जाता है गैन्जेस ब्रह्मपुत्रा मेघना करना फुली संगू रिवर्स है ना तो ऐसे अलग अलग रिवर्स में यहां पे मिलेगी नेपाल इंडिया एंड बांग्लादेश ऑल्सो ओके एंड इट इज थ्रेटन बाय द रिमोवल ऑफ द रिवर वाटर सिल्टेशन ऐसे कुछ इश्यूज है तो उसकी वजह से इसको थ्रेट हो रहा है ठीक है तो इसके लोकेशन देखने ला करनाफुल संू रिवर में भी ये मिलती है या मेघना रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर ठीक है इसके बाहर मत लेके जाओ इसको तो वहां पे ये रिवर एंड डॉल्फिन है याद रखना ठीक है देन उसके बाद देखो ये क्वेश्चन चलो अभी आंसर भी यहाँ पे दे दिया है बट देखो ऐसे काइंड में कुछ क्वेश्चन बन सकता है ठीक है कि जहां पे आयु स्टेटस अगर देखा जाए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया है जबकि आयु का लिस्ट क्या है इसका एंडेंजर्ड डॉल्फिन का गैंजेटिक डॉल्फिन का एंड इट इज फाउंड ओनली इन विक्रमशिला तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये बाकी जगह पर भी मिलती है तो ओनली सेंचुरी की बात किया था मैंने है ना ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री सो दैट इज द विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ठीक तो है, in so okay, है तो ओनली सेंचुरी है बट ओनली फाउंड इन इंडिया सो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट ओके क्लियर है तो विक्रमशिला गैंजेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे आती है सॉरी गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहां पे आती है बिहार में ठीक है तो ये थोड़ा सा इनपुट अच्छे से याद रख लो ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया यहां पे क्लियर यहां तक सबको ओके ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एंशियंट uh, लीजार्ड ऐसे कुछ आया था न्यूज में बट देखो मुझे लगता है यहां पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ऐसे कुछ एंशियंट लीजार्ड जिसका नाम था इंद्रा सोरस वांगी ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन होगा हिंदू गॉड इंदिरा ऐसे कुछ आता है प्रीवियसली नोन एज क्रेटेशियस पीरियड ऐसे कुछ था तो देखो सिंपली याद रखो इंद्रा सोरस वांगी समटाइम्स इन द न्यूज़ इज द एंशियंट लिजार्ड स्पीसीज ठीक है तो बस इतना ही याद रखना ठीक है तो कुछ कुछ न्यूज आपके स्किप भी करने पड़ते हैं देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर देखा जाए मॉनिटर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज एनजीटी ने ऐसे कुछ दिया है कि रिपोर्ट दिया था कि आप जो भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ठीक है तो आप ये बाद में थोड़ा सा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा देख लेना आपके एंड से ठीक है सेवन थाउजेंड स्पीसीज एडेड टू दी एन रेड लिस्ट ऐसे कुछ बहुत सारे स्पीसीज ऐड होते तो इतने सब हम देख ही नहीं सकते और करना भी नहीं आप लोगों को तो देखो आयुसीएन थोड़ा सा न्यूज में आ जाता है तो आयु देख लेना लगा तो आयु सी क्या होता है कि जनरली देखो इसके फॉर्मेशन हुआ था आयुसीन का नाइनटीन में ओके फाउंटेन ब्लू फ्रांस में ठीक है इसका फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर का

सो so, जो आप लिस्ट देख रहे हो ना ये ये जो लिस्ट है देखो नाइन कैटेगरीज है टोटल एक्सटीन इन द दर्ल्ड क्रिटिकली थ्रेटन वलनरेबल तो इसमें से देखो ये तीन जो है तो वो क्या आते हैं थ्रेटन लिस्ट में आते हैं ठीक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एंड वलरेबल तो ये जो लिस्टिंग है एंटायर नाइन कैटेगरीज वाली लिस्टिंग है तो वो यहां से होती है कहां से यूके से होती है ठीक है तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएन की ठीक है तो ये यूके से होता है लिस्टिंग वगैरह सब ओके क्लियर है यहां तक ओके okay. आयुसन का खुद का हेडक्वार्टर कहाँ पे आएगा ग्लैंड स्विटरलैंड और जो कि पहले क्रिएट हुआ था अनायुट्टू फेस्टिवल फिफ्टी थ्री जम्बो टेकअल टेम्पल इन थ्रिस ठीक है सो वा कुम ऐसे कुछ अनायुटू फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था कोले ऐसे कुछ पार्ट आते हैं ठीक है आपने शायद इसमें वेटलैंड में भी सुना होगा सो अना फीडिंग ऑफ द एलिफेंट फेस्टिवल हेल्ड इन द थन टेम्पल ठीक है तो यहाँ पे ये आ, मतलब सेलिब्रेट हुआ था अन्यट्टू ठीक है तो देख लेना यहाँ पे क्या फीडिंग वगैरह होता है एंड कौन से वी कैन से कि कौन से सिट, आ, जो स्टेट का ये फेस्टिवल है अनायट्टू ठीक है सो वो केरला का आएगा एंड यहाँ पे वर्षिप किसको किया जाता है तो देख लेना फीडिंग ऑफ द एलिफेंट ऐसे कुछ अनायट्टू का मीनिंग होता है ठीक है तो ये किसको वर्षिप किया जाता है वहाँ पे भी देख लेना एक बार शिवा होगा या एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है तो वो आपको थोड़ा सा खुद से चेक करना एक बार ठीक है so, सो देख लेना अना युट फेस्टिवल थोड़ा सा डिटेल में आप चेकआउट कर लो ओके अना यूटू फेस्टिवल ओके okay? नेक्स्ट है इंडिजीनियस काउस प्रोटेक्शन ठीक है तो इंडिजीनियस काउस फेस डिप्लेशन सेस प्ली इन सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो ऐसे काउस को जो भी प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करना चाहिए ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं उसका तो इतना कुछ मुझे फैक्ट नहीं मिला कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो कोइंगो मोली सिक्किम नोटेड ठीक है तो ऐसे कुछ एक स्पीसीज है नीलगिरी इकोसिस्टम के पास हिमालय नोटेड लेटेस्ट थ्रेड टू द निलगिरी इकोसिस्टम नोटेड नेटिव टू द हिमालयन पोजेस्ट थ्रेट टू द नीलगिरी इकोलॉजी अभी यहाँ पे नेटिव स्पीसीज पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है ठीक है नेटिव स्पीसीज रहेगा या इन्वेजिव स्पीसीज ठीक है यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन बन सकता है तो एक्चुअली देखो कोइंगो सॉरी को, कोइनी मोलिस ठीक है सिक्किम नोटेड तो ये मिलते ही हिमालय में ठीक है समझ रहा है सबको तो ये स्पीसीज कहाँ की हिमालय की है बट अभी ये मिल रही है नीलगिरी में ठीक है, so इसका क्या हो गया फिर यहां पे इनवेजन ठीक है तो इट इज द इनवेजिव स्पीसीज ओके ऐसे बन सकता है इनवेजिव एंड रिड्यूज दिलिटी ऑफ द लैंड फॉर द नेटिव स्पीसीज और कहां पे हुआ ये इशू नीलगिरी में ठीक है तो ऐसे काइंड में एक क्वेश्चन बन सकता है क्लियर यहां तक तो सबको यस एवरी वन अंडरस्टूड कहाँ पे इशू हो रहा है समझ गया सबको इट इज नेटिव स्पीसीज एंड रिड्यूज द अवेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द नेटिव स्पीसीज ओके तो याद रखना कोइंगो सॉरी कोइंगो मोलिस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका हार्ड है बट याद रख लेना इसको बिकॉज कभी कभी ऐसे सेम यही काइंड में क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है ओके ठीक है सो so, देख लेना इसको बाद में नीलगिरी पॉइजनिंग अ थ्रेट टू तो द नीलगिरी इकोसिस्टम और ये कहाँ पे अफेक्ट हो रहा है सिक्किम नोटेड ये कहां पे अफेक्ट हो रहा है नीलगिरी पे ठीक है so, सो नीलगिरी को ये थ्रेट कर रहा है बस इतना याद रखो नेक्स्ट इज द मैग्रू कंजर्वेशन ओके मैग्रूव कंजर्वेशन इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रू इको ओके सो ये कुछ इंटरनेशनल डे ऑफ द मैग्रू देख लेना ट्वेंटी जुलाई ठीक है तो ट्वेंटी जुलाई ये मैंग्रूव कंजर्वेशन डे होता है ओके सो वॉज अडोप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनेस्को ओके जो इंटरनेशनल डे से 15 से अडॉप्ट किया गया था फिफ्टीन से हम सेलिब्रेट करते हैं मैंग्रोव कंजर्वेशन डे सो इट एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैंग्रोव इको सिस्टम अ यूनिक एंड स्पेशल वेलरेबल इको सिस्टम जैसे हम वेटलैंड डे मनाते देखो वेटलैंड डे दे का इस बार का बता सकते हो क्या थीम है ये द थीम ऑफ द वेटलैंड डे ट्वेंटी सेकेंड यस सॉरी सेकेंड फेब ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं ना सेकंड फेब को हम क्या करते हैं सेलिब्रेट वेटलैंड डे ठीक है जैसे मैंग्रोव डे ट्वेंटी सिक्स जुलाई को है तो वेटलैंड डे सेकंड फेब को होता है तो 2020 का थीम क्या है बता सकते हो कोई यस फास्ट यस एनीवन अरे कुछ रिप्लाई करो मतलब मुझे भी समझेगा आप लोगों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है ठीक है फास्ट रिप्लाई यस एनी क्वेश्चन ठीक है तो फिर बताओ मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर करो फास्ट यस मैंग्रोव कंजर्वेशन में हम देख रहे हैं कि वेटलैंड डे की थीम क्या है सेकंड फेब 2020 की थीम क्या है चलो आई थिंक किसी का ही आंसर नहीं आ रहा है सो व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड फेब 2020 वेटलैंड डे सो याद रखना बायोडासिटी रहेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है वेटलैंड एंड बायोडाइसिटी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी ये थीम है इस बार की लास्ट टाइम थी क्लाइमेट चेंज बायोडासिटी एंड क्लाइमेट चेंज इस बार क्या है वेटलैंड एंड बायोडासिटी ये थीम है सेकंड फिफ ट्वेंटी ट्वेंटी वेटलैंड डे की और इसी साथ अगर देखा जाए तो वैसे ही मैंग्रूव कंजर्वेशन का आपको थोड़ा होमवर्क देता हूं मैं बिकॉज सभी यहाँ पे मैंने दे दिया तो आपको थोड़ा सा वो आप पढ़ोगे नहीं जाके ठीक है सो ट्वेंटी सिक्स जुलाई ये जो होता है मैंग्रू कंजर्वेशन डे होता है या मैंग्रू डे होता है ठीक है सो प्लीज गो एंड चेक दैट इज द वॉट इज द थीम ऑफ द मैंग्रोव कंजर्वेशन या मैंग्रोव डे की क्या थीम है ओके इंटरनेशनल डे ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इको सिस्टम इसकी थीम क्या है इट प्रमोट द सोल्यूशन ऑफ दियर सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूजेस वाइल एडवांसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑफ दअर लोकल कम्युनिटी ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स आएंगे तो प्लीज गो एंड चेक वॉट इज एग्जैक्टली वो हाउ ट्वेंटी सिक्स जुलाई इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो ट्वेंटी नाइनटी का क्या थीम था ओके okay, एंड 2020 also if इफ पॉसिबल देन गो फॉर द also ट्वेंटी ठीक है एलिफेंट अंडर काउंटिंग तो केरला जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो पहले क्या हुआ था कि लास्ट uh, जो एलिफेंट सेंसस हुआ था तो उसमें ऑलमोस्ट हमारे टाइगर जो थे तो वो थे 30,000 के पास मतलब uh, जो नंबर्स थे तो वह ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड के आसपास थे कुछ ठीक है थर्टी ओके अब ये आ गए ट्वेंटी के आसपास कुछ आ गए थे रिसेंट डेटाज में तो रिसेंट अगर केरला में हैव हाँ उन्होंने कुछ अंडर कर है और वैसे भी काउंटिंग मेथड जो है तो वो गलत भी हो गई थी बहुत सारी काउंटिंग मेथड्स तो इसलिए नंबर कम आए थे तो प्लीज ऐसा नोट मत करो कि एलिफेंट के नंबर कम हो गए इंडिया में दैट इज रियली रॉन्ग बिकॉज इवन इफ आपको सेंसस में कुछ नंबर्स में वेरिएशंस दिखेंगे ऑलमोस्ट तीन हजार का फर्क दिख रहा है जो पहला वाला था उसमें थर्टी के थे और अभी जो रिसेंट है उसमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेवन के के आसपास आते हैं तो ये नंबर इसलिए कम हो गए बिकॉज अ डिफरेंट काउंटिंग मेथड्स एक तो ये आंसर है एंड सेकेंड होगा कि केरला अंडर काउंटेड एलिफेंट्स तो ये दूसरा आंसर रहेगा ठीक है पोचिंग हंटिंग वगैरह प्लीज मत लिखो यहाँ पे गलती से भी केरला में हैव अंडर ग्राउंटेड टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड जो भी है तो उनको अंडर काउंट कर दिया मतलब उनको प्रॉपरली काउंट नहीं किया उन्होंने एंड दैट इंडिकेट दैट द केरला हैड ओनली थ्री थाउजेंड ऐसे कुछ है यहाँ पे एंड एलिफेंट सेंसस ये पांच साल में एक बार कंडक्ट होता है याद रखना ठीक है अंडर द एजेस ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट माइक साइड भी आप थोड़ा सा होमवर्क में देख लेना एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट भी थोड़ा सा अच्छे से देखो कब स्टार्ट हुआ है क्या हुआ है तो शायद यहाँ पे भी क्वेश्चन बने तो पांच साल में एक बार होता है एलिफेंट सेंसस एंड जैसे कि चार साल को टाइगर सेंसस होता है ठीक है क्लियर यहाँ तक ठीक है तो देखो इसके काउंटिंग मेथड कौन से कौन से शायद ये भी पूछ सकता है अगर काउंटिंग में कुछ अप डाउन हुआ है तो शायद काउंटिंग मेथड पे भी क्वेश्चन बने द डायरेक्ट काउंटिंग मेथड एक आता है इट इज बेस्ड ऑन द साइटिंग ऑफ द एलिफेंट एंड द इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड दैट इज द डी फॉर्मूला कहा जाता है तो जो डंक होता है उनका तो देखो इन विच एनालिसिस ऑफ द डंक इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट ठीक है तो दो फॉर्मूला है एलिफेंट काउंटिंग के दैट इज द डायरेक्ट काउंटिंग मेथड एंड सेकेंड द इनडायरेक्ट काउंटिंग मेथड क्लियर है यहां तक सबको पूनम अवलोकन यहाँ से रिलेटेड नहीं है पूनम अवलोकन जो है वो लायन सेंसस हो गए या फिर टाइगर सेंसस के लिए कुछ पूनम अवलोकन ये था तो वो यूज किया गया था पूनम अवलोकन लायन सेंसस के लिए ठीक है यहां पे नहीं रहेगा प्लीज नोट दैट पूनम अवलोकन वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा ठीक है क्लियर यहां तक सबको ठीक है तो देखो सबसे ज्यादा नंबर्स कहाँ पे आते हैं कर्नाटक में ओके कर्नाटक में एलिफेंट के नंबर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे कर्नाटक में सेकेंड आता है आसाम थर्ड रहेगा केरला ठीक है कर्नाटक आसाम केरला एलिफेंट्स के नंबर वाइज ओके क्लियर यहां तक ओके सो नेक्स्ट देखो एलिफेंट सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन अ फाइव ईयर यस इट इज राइट ओके बराबर है ये यस अकॉर्डिंग टू सेंसस केरला हैज द हाईस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट एंड महाराष्ट्र हैज द लीस्ट नंबर ऑफ द एलिफेंट तो महाराष्ट्र हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट दैट इज राइट ओके तो महाराष्ट्र में सबसे कम है छह ही एलिफेंट्स आते हैं सो दैट इज राइट बट सबसे हाईएस्ट नंबर इन्होंने क्या दिया है दैट इज यस केरला बट आंसर में क्या है कर्नाटका है ठीक है तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पे आते हैं कर्नाटक में ठीक है प्लीज नोट दैट कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट है नॉट इन केरला केरला थर्ड पे आता है यहां पे एंड सेकेंड uh, पे कौन आएगा असम ठीक है क्लियर यहां तक ओके okay. देखो सत्रह के सेंसेस कर्नाटक हैज द हाइएस्ट ओके okay. एंड लीस्ट बराबर है महाराष्ट्र में सबसे कम एलिफेंट्स आते हैं ठीक है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट देखना 1992 में स्टार्ट हुआ था अंडर द तो प्रोक्शन ऑफ द एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम करना एंड uh, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरस्ट के अंडर इसको टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ठीक है नेक्स्ट है वैनिशिंग वाइल्ड लाइफ ट्वेंटी टू इन द इंडिया तो बहुत सारे स्पीसीज ऐसे ऑलमोस्ट अभी तक मतलब देखा जाए तो खत्म हो गए so, सो ऐसे ही देखो अकॉर्डिंग टू द डेटा टेबल्ड इन द लोकसभा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज फोर स्पीसीज ऑफ द फोना एटीन स्पीसीज ऑफ द फ्लोरा हैव गॉन एक्सटिंकट इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज ठीक है तो फोर स्पीसीज ऑफ द फोना उसमें अगर वो देखा जाए कुछ अमॉन्ग दैट इंपॉर्टेंट देखते हैं हम चिता जो कि नाइनटीन फिफ्टी में पूरा एक्सटिंट हो गया था इंडिया में और हमने अभी चिता इंट्रोडक्शन भी करने वाले नामीबिया से अफ्रीका से जो कि मैसूर जुअलॉजिकल पार्क में भी हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है और नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एम में रहेगा या कुनो पालमपुर है तो वहाँ पर हम अफ्रीकन चित्ता लाने वाले अभी थोड़े दिन में ठीक है देन उसके बाद सुमत्रा डायनासोर्स है वो भी एक्सटिंट हो गए पिंक हेडेड डक है हिमालयन कोयल है तो ये सब अभी ऑलमोस्ट इंडिया में क्या है कि एक्सटिंक्ट हो गया ठीक है कोई कंट्री से हम अगर इंट्रोड्यूस करते तो वो बात अलग है ठीक है बट अभी इंडिया से ये क्या है एक्सटिंक्ट है अमंग द मैमल्स ठीक है और बाकी यहाँ पे बाकी भी कुछ स्पीसीज रह गए बट मुझे लगता है मैमल्स देख लो मोर देन सफिशियंट हो जाएगा ठीक है द नेक्स्ट है तामिल येनोम इज नाउ तमिलनाडु स्टेट बटरफ्लाई ठीक है तो ये वन ऑफ द क्यूच मतलब लार्जेस्ट बटरफ्लाई में आता है हैज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट आता यह स्टेट बटरफ्लाई ऐसे कुछ डिक्लेयर कर दिया तमिलनाडु ने ठीक है तो इसको ऑल्सो उन्होंने तामिल मारावान भी कहा जाता है ओके एंड इसका पॉलिनेशन वगैरह के लिए यूज होता है दैट्स ओके सो महाराष्ट्र में ने भी इसने पहले अगर देखा जाए तो ऐसे ही ब्लू मोरबान है या फिर उत्तराखंड ने भी देखो आ, स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक एक्ट था कर्नाटक ने भी देखो साउथ बर्ड विंग ऐसे कुछ डिक्लेयर किया था केरला ने मलबार बैंडेड पिकॉक एंड बुद्धा बटरफ्लाई ऐसे कुछ डिक्लेयर किया था तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ने इसके पहले भी डिक्लेयर किए थे बट अभी रिसेंटली देखो तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया दैट इज तमिल यनोमम ठीक है क्लियर है तमिल यमुमम ओके तो ये उनका स्टेट बटरफ्लाई रहेगा अभी एंड अदर रिकोग्नाइज स्पीसीज इन तमिलनाडु दैट इज द स्टेट ट्री है देन बर्ड है या ऐसे कुछ पाम वगैरह आता है देन उसके बाद एमरॉल डोव है, है ना तो ये बाद में एनिमल अगर देखा जाए तो नीलगिरी तार रही ऑलरेडी मैंने कुछ करंट अफेयर्स में कवर किया है ठीक है सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ओके सो नेक्स्ट इज़ द डीप ओशन मिशन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है हम ये थोड़ा कल लेते हैं बिकॉज थोड़े आ, कुछ बहुत ही डिटेलिंग न्यूज़ है यहाँ पे सो so अभी इसके थोड़े इसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिटेल न्यूज आता है ठीक है तो लगा तो हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है तो वो कल कवर करते हैं कल इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा बिकॉज जून के थोड़े से कम करंट अफेयर्स रहेंगे कल ठीक है तो इसलिए हम जो ले का थोड़ा सा पहले कंटिन्यू करते हैं और रिमेनिंग पार्ट फिर कल कवर करेंगे किसका जून लास्ट हमारा कल सेशन होगा रिलेटेड टू एंटायर वन ईयर करंट अफेयर ओके तो कल हम जो भी इंपॉर्टेंट इसमें से होगा रिमेनिंग पार्ट जुलाई का तो वो हम कवर करेंगे ठीक so, uh, है सो कल मिलते हैं राइट एट टू पी एम ओके देन थैंक यू